नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अनफॉर्चुनेटली एक भारतीय लड़का मारा गया है रशियन आर्मी की सिविलाइजेशन पर गोलीबारी में। वेरी बैड न्यूज है ये, बट मैं यहाँ पर इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी तक ये सुना है कि एक भारतीय लड़का मारा गया यूक्रेन और रशियन फोर्सेस की सेलिंग में, परंतु ये पूरा सच नहीं है। जब इसके एक दोस्त जो इसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था से पूछा गया तो उसने बताया, जब नवीन ग्रोसरी खरीदने के लिए लाइन में खड़ा था उसी वक्त रशियन आर्मी ने अंधी फायरिंग कर दी, और जिसमें जो है लोगों की जो है काफी ज्यादा जान माल की हानि हुई, उसमें जो है नवीन नाम का ये जो है लड़का भी मारा गया। पुतिन साहब और उनकी आर्मी, यूक्रेन में भारत के जो राजदूत हैं, शायद उन्होंने ठीक ही कहा है। If we are making some small comparison, you see, it's like the massacre arranged by Mughals against Rajputs, or like massacre which was arranged by Nadir Shah against innocent people of Delhi. इसी बीच जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो जब भी एक न्यूज आई है, सेकंड इंडियन डाइस इन यूक्रेन इन 2 डेज, स्टूडेंट्स फ्रॉम पंजाब सफर्ड स्ट्रोक। हालांकि यह जो बंदा है, ये जो हमारा स्टूडेंट था, जो हमारा भाई था, ये जो है किसी भी आर्मी की गोलाबारी में नहीं मारा गया है, इसको जो है ब्रेन का स्ट्रोक पड़ा था। हाँ, इतना हो सकता है कि इसको जो है उस प्रकार की जो है सुविधाएं ना मिल पाई हो जिस प्रकार एक सामान्य मॉल में मिलती हैं, क्योंकि वहां पर सभी चीजें बंद हैं, सभी जो है पैनिक है, काफी चीजें वहां पर जो है बंद चलने लग रही हैं। रशियन आर्मी ठीक उस प्रकार क्रूर हो गई है जिस प्रकार जो है मुगल जो है क्रूर थे, जिन्होंने जो है राजपूत पर जो है काफी क्रूरता दिखाई थी। अगर हम मुगल की बात करें और रशियन आर्मी के साथ कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। जैसे मुगल का कहना था कि धर्म चेंज कर लो अदरवाइज मार दिया जाएगा, आपके ऊपर जो है क्रूरता की जाएगी। अब ये देखिएगा, गुरु तेग बहादुर जो थे वो जो एक्सीक्यूटेड कर दिए गए, किसके ऑर्डर पर? औरंगजेब के। आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? इसका यह रीजन था, उन्होंने जो है रिफ्यूज कर दिया था एम्ब्रेस इस्लाम, मतलब उन्होंने जो है धर्म चेंज करने से, इस्लाम मानने से जो है उन्होंने इनकार कर दिया था। गुरु तेग बहादुर ही नहीं है, ऐसे काफी सारे हमारे शहीद हुए हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। यातनाओं की अगर हम बात करें तो क्या क्या किया जाता था, उनके नाखून उखाड़ दिए जाते थे, हैंड काट दिए जाते थे, देख सकते हो आप ये जो है एक तलवार है, उनके हाथ काट दिए जाते थे, उनकी आंखों में जो है गरम गरम जो है लोहे की रोड घुसाई जाती थी, उनका सिर काट दिया जाता था, और उनके ऊपर काफी ज्यादा यहाँ इस चीज को लेकर अत्याचार किए जाते थे। और ऐसा क्यों होने लग रहा था? क्योंकि उन्हें चाहिए थी फ्रीडम, फ्रीडम अपने धर्म की और अपने देश की, मतलब मिट्टी पानी और हवा की। सभी कुर्बान हो गए अपने देश के लिए, धर्म के लिए। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि जो बात यूक्रेन के राजदूत कह रहे हैं वह कितना सही है, और पुतिन का इतना आक्रामकता और आक्रमण कितना सही है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कमेंट हमारे लिए मायने रखता है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।